हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ केटेक ट्यूटोरियल्स में। आज एक और क्लास लेके आ गया हूँ। आखिरी टूल जो हमारा था टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ जब हमने पेन टूल के बारे में बात की थी कि इंट्रोडक्शन क्लास जो थी पेन टूल की, उसमें मैं बता चुका हूँ टेक्स्ट टूल का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चलना होगा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आइए देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं हम टेक्स्ट टूल का। ऑल राइट गाइज, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं और मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन करके रखा हुआ है। एज यूजुअल मैं पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से हम सीक्वेंस लेते हैं और प्रोजेक्ट्स लेते हैं। अभी मैंने काम किया हुआ है कि यहाँ पे एक वीडियो ले रखी है जो फ्लावर्स की है। मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी इसको यूज़ किया है, नेट से फ्री में मिल जाती है तो मैंने यूज़ कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन और है। मैं आपको आज जैसे बताने वाला था टाइप टूल के बारे में कि हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको जूम कर लेता हूँ टाइमलाइन को। यहाँ से मैंने आपको शिफ्ट के साथ स्क्रॉल बटन भी बताया था माउस का, जिससे हम कर सकते हैं इसको स्क्रॉल। अब यहाँ पे मैं टाइप टूल लेता हूँ और टाइप टूल में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से टाइटल ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिया, सिंपल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया फ्लावर्स। मैंने ये टाइप किया और कंट्रोल ए से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसकी एडिटिंग जो मैं करूँगा वो मैं करूँगा इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट फ्लावर की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। मैं यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ बढ़िया सा फॉन्ट ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ हिंदी के फॉन्ट्स भी हैं। मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फ्यूचर पीटी बोल्ड इटैलिक ले लेता हूँ मैं इसका फॉन्ट, और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मैंने पेन टूल का जब इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी अगर मैं डायरेक्ट टाइप टूल लेता हूँ तो इसकी एक लेयर और आ जाती है, जो वीडियो टू पे आप देख सकते हैं फ्लावर की लेयर बन गई है टेक्स्ट की। यहाँ से आप रेगुलर, क्योंकि ये तो वैसे ही बोल्ड है तो इसमें कोई बोल्ड इटैलिक आप कर नहीं सकते हो, सेंटर अलाइनमेंट आप कर सकते हो। और यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी ट्रैकिंग में इसको बदल सकता हूँ। ट्रैकिंग क्या होती है दोस्तों, कि अल्फ़ाबेट्स के बीच में कुछ स्पेस आप दे सकते हो। अगर आप देना चाहो थोड़ा सा बढ़ा के क्लियरली दिखाना चाहो या फिर कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से कम कर देता हूँ, अभी ज़ीरो कर देता हूँ इसको। तो ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट हमारा आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे और भी हमारे पास हैं, जैसे स्मॉल कैप्स आप कर सकते हो या ऑल कैप्स आप कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट भी दे सकते हो आप इसको। अपीयरेंस में कलर्स आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से फिल कलर ले रहा हूँ कुछ रेड। आप कह सकते हो कि रेड मेरा थोड़ा फेवरेट कलर भी है तो मैं रेड कलर ले सकता हूँ। और यहाँ से इसकी स्ट्रोक मैं दे देता हूँ कुछ वाइट कलर की, या फिर आप इसको हल्के कलर में भी ले सकते हो, कुछ ग्रे कलर में या फिर कुछ इस कलर में, हल्के कलर में ले लेते हैं। और इसकी स्ट्रोक की विड्थ मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जैसे एक से ज़्यादा मैं बढ़ा सकता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आप अगर शेडो देना चाहें तो शेडो भी दे सकते हैं इसको। तो मैं सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और शेडो के लिए मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, जैसे 100% जूम करके मैं इस टेक्स्ट पे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ तो हल्की सी शेडो हमारे पास आती है 75% जो हमने दे रखी है। इसको अगर मैं और ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं हल्की सी शेडो और बढ़ सकती है, या फिर कम करना चाहें तो यहाँ से शेडो कम हो जाएगी। मैं 50% कर देता हूँ। और यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो कि कितने डिग्री एंगल पे आपको रोटेट करनी है शेडो। आप ध्यान से देखें तो शेडो रोटेट हो रही है। और यहाँ से ऑप्शन होता है हमारा डिस्टेंस का, कि हमें शेडो को कितने डिस्टेंस पे रखना है। और यहाँ से हमारा ऑप्शन आता है साइज़ की, शेडो का साइज़ क्या रखना चाहते हैं, कितना बड़ा या कितना छोटा आप रखना चाहते हैं। और यहाँ से आप एंगल दे सकते हैं या ब्लर दे सकते हैं, ब्लर कितना कम ज़्यादा करना है। अगर इसको शार्पनेस दिखानी है तो शार्पनेस दिखा सकते हैं। डिस्टेंस मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट के साथ ही जुड़ी हुई दिखाई दे। और यहाँ से आप ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैं ओपेसिटी अगर बढ़ा दूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। शेडो का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कुछ ब्लैक कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए।
और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ब्लैक दिख जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की, तो मैं यहाँ से जूम आउट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो हमारा लेफ्ट साइड में इफेक्ट्स कंट्रोल में भी पोजीशन चेंज हो रही है। इसी तरह मैं साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ इस फ्लावर टेक्स्ट का। तो इस तरह से दोस्तों हम टाइप टूल का यूज़ तो कर सकते हैं नॉर्मली। मैं इसको 100 कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, रोटेशन कितना करना है, आपको अपीयरेंस देनी है। तो यहाँ पे टॉगल एनिमेशन में मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया था, टॉगल एनिमेशन की फ्रेम से इसको थोड़ा सा हम एनिमेट भी कर सकते हैं। और रोटेशन के साथ मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे रोटेशन का भी मैं दे देता हूँ, और थोड़ा सा टाइमलाइन स्टिक को आगे बढ़ाऊंगा कुछ इतना, और यहाँ पे एक और फ्रेम्स ऐड कर दूंगा दोनों के। अब यहाँ पे मैं एक काम करना चाहता हूँ, रोटेशन 2x0 रख देता हूँ, यानी कि ये 2 टाइम्स रोटेट होकर आएगा हमारा टेक्स्ट। और प्रीवियस फ्रेम पे मैं इस टेक्स्ट की पोजीशन लेफ्ट से रख देता हूँ। अब अगर मैं रन करके दिखाऊँ स्पेस बार प्रेस करके, तो ये देखिए दो दो बार रोटेट होके ये आ गया। मैं इसको थोड़ा सा पास रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा जल्दी आ जाए कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो, या फिर आप पोजीशन ना देके ओपेसिटी या एंकर पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। मैं ओपेसिटी का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने टॉगल एनिमेशन की फ्रेम दिया और इस फ्रेम को मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब प्रीवियस फ्रेम पे जाके मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कुछ रोटेट होके आएगा क्योंकि रोटेशन भी था और ओपेसिटी भी होकर आएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो। अब हमारा दूसरा टाइप आता है रोलिंग क्रेडिट। रोलिंग क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, कि आप अगर देखें तो कुछ इस तरह से आप रोलिंग कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट की। तो कुछ इस तरह से आप रोलिंग कर पाएंगे, जैसे किसी भी आप डेली सोप में या फिर मूवीज में आप देखते हैं, जब भी दी एंड हो जाता है मूवीज का तो उसमें कैरेक्टर्स के रियल नेम्स आप देख सकते हो, या फिर किसी भी टेक्स्ट को डाउन टू टॉप जाते हुए दिखा सकते हो। तो वो कैसे आप कर सकते हो, उसके लिए दोस्तों मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे ये मैं कुछ आगे टाइमलाइन स्टिक ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने कुछ नेम्स को यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ से कॉपी कर लिया। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसका ना इंटरफेस थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से ग्राफिक्स में वर्क स्पेस को ले लेता हूँ। ग्राफिक्स में वर्क स्पेस मैंने इसलिए लिया क्योंकि दोस्तों मुझे कुछ एडिटिंग भी करनी थी ग्राफिक्स की, तो इस वजह से मैं टाइप टूल के साथ थोड़ी ग्राफिक्स की एडिटिंग भी कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि एक और टाइप टूल ले लेता हूँ। अब टूल्स मेरे यहाँ पे आ गई हैं, ग्राफिक्स मैंने वर्क स्पेस लिया है तो टूल्स थोड़ा सा चेंज हो गया है इंटरफेस। तो यहाँ पे मैं टाइप टूल ले लेता हूँ, और टाइप टूल से मैं एक बार क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टाइप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वो सारे नाम। तो देखिए दोस्तों अभी जो लास्ट हमारी जो भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज थी वो इस पे भी होकर आ गई हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट का साइज़ एडिट कर दूंगा। मैं पहले यहाँ से रेगुलर की जगह 203 की जगह मैं कर देता हूँ इसको 100। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ही कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। तो यहाँ से मैं मैन्युअली 100 कर देता हूँ इसका साइज़, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक काम और कर सकता हूँ, वही टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज सारी यहाँ पे भी आ जाएंगी। मैं इसको स्ट्रोक नहीं देना चाहता, और यहाँ से शेडो भी मैं नहीं देना चाहता, और फिल कलर मैं इसका कर देता हूँ वाइट। और यहाँ पे मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट दे देता हूँ, और सेंटर अलाइनमेंट देने के बाद मैं इसका अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म में जाके हॉरिजॉन्टल सेंटर रख देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं एक काम करूँगा कि एसेंशियल ग्राफिक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, कुछ 80 के करीब कर देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा सा कम होता है। और यहाँ पे मैं इसको और 60 के करीब दे देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं इसको
डाउन टू टॉप ले जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो एडिट हैं, अब मैं इसके जो लेयर है इस पे से सिलेक्शन हटा देता हूँ, और जैसे ही मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब यहाँ पे रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन टाइम आ जाता है, जिसमें इंट्रो ड्यूरेशन और आउट्रो ड्यूरेशन ये आप दे सकते हैं, लेकिन मैं इनका यूज़ नहीं करना चाहता। मैं नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करता हूँ, जिसमें रोल का इफेक्ट होता है। रोल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ये लाइन आ गई है, और टेक्स्ट भी हमारा अभी हाइड हो गया है। वो कैसे आएगा वो हम अभी देखते हैं। जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो टेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से आएगा, रोलिंग होके नीचे से ऊपर। आप जितना चाहें इसको उतना रोल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी कर देता हूँ कुछ इस तरह से, तो इसकी कॉपी हो जाएगी और सेम इफेक्ट के साथ ये आ जाएगा। मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे ये है, मैं इसको यहाँ से लेना चाहता हूँ ताकि ये नीचे से इसके साथ ही आए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से डबल जाएगा। तो ये कुछ जैसे मूवीज़ की एंडिंग होती है या फिर किसी भी डेली सोप की एंडिंग होती है, तो वो आप कर सकते हो। ध्यान रहे दोस्तों, आपको स्टार्ट ऑफ स्क्रीन और एंड ऑफ स्क्रीन को थोड़ा सा चेक रखना पड़ेगा, और प्री रोल पोस्ट रोल आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ, जैसे मैंने इसको कर दिया 10 सेकेंड या 11 सेकेंड का, 10 सेकेंड का कर देता हूँ। यहाँ से मैं एग्जैक्ट 10 सेकेंड का कर देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला ये चला ही नहीं क्योंकि ये 10 सेकेंड का गैप ले गया। तो इस तरह से आप गैप देकर भी दे सकते हो। अभी दोस्तों क्या है, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये एक के बाद एक चलेगा, जैसे मेरा फर्स्ट ये टेक्स्ट चला, उसके बाद उसी के साथ दूसरा टेक्स्ट भी चल गया। इस तरह से आप अलग अलग लेयर्स बना के जितना चाहें टेक्स्ट उतना आप इसके साथ ही रन करवा सकते हैं। तो ये रोलिंग क्रेडिट एड टेक्स्ट हमारा होता है, जिससे आप टेक्स्ट की एंडिंग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको और भी आगे की टेक्स्ट की इफ़ेक्ट्स बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा ट्यूटोरियल मेरा लगा। मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में आपके लिए टाइप टूल के और भी इफेक्ट्स लेकर आऊँगा जो हम प्रीमियर प्रो में बना सकते हैं। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं दोस्तों जो हम प्रीमियर प्रो में शेयर कर सकते हैं आपके साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।